चुनाव से पहले गठबंधनों की झड़ी लग गई। बिहार में गठबंधन के नए साथियों की वजह से भाजपा के सामने बड़ी चुनौती खड़ी हो गई है। जेडीयू के साथ आने के बाद अब भाजपा को न केवल चिराग पासवान और उनकी लोक जनशक्ति पार्टी को खुश रखने का रास्ता खोजना है, बल्कि उनके बगावती चाचा को भी अपने साथ रखना है। जनवरी में मुख्यमंत्री और जेडीयू अध्यक्ष नीतीश कुमार की एनडीए में वापसी से पहले जमुई सांसद चिराग पासवान राज्य में बीजेपी के सबसे महत्वपूर्ण और विश्वसनीय सहयोगी थे, लेकिन जेडीयू के जुड़ने के बाद गठबंधन में चिराग पासवान का कद कम हो गया। इस बात को समझते हुए आरजेडी ने कथित तौर पर तुरंत कदम बढ़ाया और चिराग को 8 लोकसभा सीटें देने की पेशकश कर दी, बशर्ते कि वो महागठबंधन में शामिल हो जाएं। राजद नेता तेजस्वी यादव की पेशकश चिराग द्वारा बीजेपी से की जाने वाली अधिकतम उम्मीद से कम दो अधिक हैं। क्या चिराग भाजपा पर दबाव बनाना चाहते हैं? सूत्रों ने बताया बीजेपी इस पर विचार कर रही है कि अब क्या करना है। कुछ लोगों का मानना है यह चिराग की एक रणनीति है जिसके तहत वो भाजपा से ज्यादा सीट हासिल करने के लिए दबाव बनाएंगे। भाजपा जानती है चिराग की पार्टी को बिहार में 6-7% वोट मिलता है, ऐसे में वो उन्हें ज्यादा सीट देने का जोखिम भी नहीं उठाना चाहेगी। वहीं आरजेडी के एक नेता ने कहा चिराग और तेजस्वी एक दूसरे का बहुत सम्मान करते हैं, उनके पास हमेशा उनके लिए एक स्थायी प्रस्ताव रहता है। आखिरकार लालू प्रसाद और रामविलास पासवान के बीच बहुत अच्छे राजनीतिक संबंध थे। चिराग के अलावा भाजपा को उनके चाचा केंद्रीय मंत्री पशुपति कुमार पारस को भी संतुष्ट करना होगा, जो राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के प्रमुख हैं और एनडीए के सहयोगी भी हैं। चिराग पासवान और पशुपति पारस दोनों ही पासवान की राजनीति विरासत के असली उत्तराधिकारी होने का दावा करते हैं। वहीं बीजेपी और एलजेपी दोनों सूत्रों का कहना है आखिरकार समझौता चिराग को 5 लोकसभा सीटें और एक राज्यसभा सीट देकर हो सकता है, जो 2019 की तुलना में एक कम होगी। पिछली बार एलजेपी ने अपने हिस्से की सीट 6 सीटें जीती थी। रामविलास पासवान राज्यसभा के लिए निर्वाचित हो गए थे।